नमस्कार। आज फिर से एक लंबी अरसे बाद हमारे साथ आई हैं उनसा शाह जी, जो कि टेरो लीडर है, पाकिस्तान की बड़ी फेमस टेरो लीडर है। उनसा जी से हम पूछेंगे कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, और उन्होंने जो पहले बताया था कि ममता बनर्जी वापस आएंगी, नरेंद्र मोदी वापस आएंगे, योगी वापस आएंगे, कोई नहीं बता पा रहा था, और इन्होंने ही बताया था। इनका वो वीडियो आज भी पड़े हमारे चैनल पे। उनसा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उनसा जी मैं थैंक यू, हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, हाउ आर यू? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ ज्वाइन किया आपने। उनसा जी आपसे कुछ संक्षेप में, जल्दबाजी में, या बोलिए कि कम टाइम में ये पूछना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी और अभी हम ब्रिक्स में जा रहे हैं, इन सब का लेकर के आप बताइए कि इंडिया, पहले तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अब आगे एक साल या दो साल कैसे रहने चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान के पहले तो रिलेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड होता है सेलिब्रेशन का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। ये कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग का, ट्रेडिंग का कार्ड भी होता है। तो मैं समझती हूँ कि अब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप आने वाले टाइम में पॉजिटिव होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। फॉरेन ट्रेडिंग भी उनकी आपस में हो सकती है और रिलेशंस जो हैं वो हैप्पीनेस में, यानी कि मीटिंग्स नज़र आ रही है, आपस में इंटरेक्शन होगा। पहले जो पास्ट में एक ब्लॉकेज सिचुएशन थी दोनों कंट्रीज के दरमियान, अब वो ब्लॉक जो है वो हट रहा है। तो ये रियूनियन का कार्ड भी होता है, तो पाकिस्तान और इंडिया का एक तरह से रियूनियन भी मुझे नजर आ रहा है। तो हालात जो है वो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। राइट, आपने मुझे याद है लास्ट टाइम भी ये बोला था कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेटर होंगे, और अब हम वो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेटर होते देख रहे हैं। दोनों कंट्रीज की डायलॉग चल रहा है, हो सकता है क्रिकेटिंग जो लिंक्स है वो दोबारा रिज्यूम हो जाए। इस बार जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो उनकी इशाक डार साहब से दो मीटिंग्स हुई, मतलब कोजी अप हो रहे हैं दोनों कंट्रीज। अच्छा, अब अगर अब मैं पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी सेकेंड टर्म, अभी थर्ड टर्म लेके आए हैं, क्या ये फोर्थ टर्म की ओर जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मोदी साहब के जो कार्ड्स हैं, सबसे पहला जो कार्ड है वो किंग का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और किंग का कार्ड अथॉरिटी का कार्ड होता है। सेकंड कार्ड जो है वो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड होता है सक्सेस का कार्ड है। अब ये भी यहाँ पे घोड़े पे सवार है, इसका मतलब है कि ये अथॉरिटिव कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और आगे फिर एक और किंग का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब जो हैं आगे भी कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अंदर बड़ा पैशन है, काम करने का जो जज्बा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, मजीद जो है वो चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो। मतलब मुझे लगता है कि मोदी साहब इंडिया के हवाले से काफी पॉजिटिव रहेंगे और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और आगे इंडिया के लिए बेहतरी नजर आ रही है मोदी साहब के एंड। राइट, मैं एक चीज और पूछनी थी, शाबाज शरीफ सर इनका क्या है, ये अगले पांच साल क्या ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या ये एक और गवर्नमेंट आ सकती है, क्या ये एक लंबे अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं या इनका टेन्योर जो है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, आ सकती है मरियम साहिबा, क्या क्या कैसा रहेगा इनका? देखिए, कार्ड जो है वो अब देखिए यहाँ पर, हालांकि इतने कोई अच्छे कार्ड नहीं आ रहे शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन जो लास्ट कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है, तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव है जो इनको फेवर कर रहा है। तो शहबाज शरीफ के काफी चीजें जो है वो अगेंस्ट जरूर है, हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में ही मुखालफत चल रही हो इस वक्त, लेकिन जहां तक उनकी जो पोजीशन है उसको मैं नहीं समझती कि वो पोजीशन से हटते हुए नजर आ रहे हैं या मरियम नवाज जो है उनकी पोजीशन पर आती हुई नजर आ रही है। और नेक्स्ट जो कोई और भी मुझे नहीं, यहाँ पे दस तलवारें नजर आ रही है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, तो गवर्नमेंट तो मुझे चेंज होती नहीं नजर आ रही, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर भी मुझे चेंज नहीं हो रहे। फिर एक और मैंने आपने सवाल किया था वो मिस हो गया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अब यहाँ पर मोदी साहब का जो कार्ड आया है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर शहबाज शरीफ का जो कार्ड है वो है मून का कार्ड है। अब मोदी साहब का तो पूरा मूड है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात जो है वो बहाल किया जा सके, उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि चीजें पॉजिटिव वे में जाएं और बहुत सारी चीजें कुछ उनके साथ किया जाए। फिर यहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब का है वो मून का कार्ड है, अभी अनसर्टन है, कंफ्यूज है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्या वाकई
चीजें बेहतर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आगे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन और अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है शहबाज शरीफ के एंड पे, अगर इन दोनों चीजों को देखें तो। राइट अच्छा एक आदमी जिसकी जिक्र किए बिना इंडिया पाकिस्तान के कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, इमरान खान अभी जेल में है, आगे फ्यूचर में बाहर आ सकते हैं, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर? देखिए इमरान खान साहब के, देखिए अब आज जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना, एक कार्ड है फूल का, जो पहला सवाल आपने किया कि क्या वो जेल से बाहर आएंगे, तो फूल की एनर्जी होती है न्यू बिगिनिंग्स की, तो न्यू बिगिनिंग्स तो मुझे नजर आ रही है, नई एनर्जी नजर आ रही है, फ्रीडम नजर आ रहा है, तो जेल से तो वो आजाद हो रहे हैं। और उसके बाद जो सेकेंड कार्ड है, आपने कहा कि क्या वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये किंग का कार्ड है और भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अब जो इमरान खान साहब बिल्कुल आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बहुत जो है वो एक बहुत सॉलिड तरीके से आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मजीद स्टेबिलिटी होगी, यानी कि जो लास्ट गवर्नमेंट में जब आए थे तो उनकी स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस दफा अगर ये नेक्स्ट आते हैं तो बहुत स्टेबल होकर आएंगे। राइट तो इसका मतलब इमरान खान साहब अपनी पिछली गलतियों से जरूर सीखेंगे, स्टेबल होके आएंगे, और ये यही चीज इमरान खान साहब शायद खुद सुनना भी चाह रहे थे। व्हाट अबाउट योगी आदित्यनाथ, क्या ये प्राइम मिनिस्टर की ओर जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा कि फिर सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, चांसेस तो है लेकिन नॉट वेरी सून, नॉट इन नियर फ्यूचर, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी सिचुएशन शायद इनके फेवर में नहीं है या कुछ चीज़ों को लेकर वो स्ट्रक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मामला जो है उनके फेवर में जा सकते हैं। राइट कुछ टाइम बाद उनके फेवर में जा सकते हैं, अभी नहीं है। एक और जो बोन ऑफ कंटेंशन रहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल जेल से बाहर आए और आकर के रिजाइन कर दिया। हाँ हालांकि दिल्ली में इतनी मजबूत पकड़ और अक्रॉस द कंट्री भी वो अब एक बड़ी पार्टी बन रहे हैं, नेशनल पार्टीज अगर बोले तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद एक तीसरी नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी ही है, और कोई पार्टी है भी नहीं नेशनल लेवल पे इंडिया में। केजरीवाल कैसे देखते हैं आपको फ्यूचर में? देखिए इनके अंदर अग्रेसिवनेस बहुत है, जज्बाती बहुत है और इनके अंदर पैशन भी बहुत है, और बिल्कुल ये आगे जाके जो है वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ करने का जज्बा है इनके अंदर, फिर ये कमिटेड बहुत है, तो जो ये आवाम को बोलेंगे या सोशल मीडिया पे जो भी बात करेंगे वो बड़ी सॉलिड बात होगी, और ये कमिटेड है और इनका इरादा है कि आगे कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें और वो सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो इनका काफी ब्राइट नजर आ रहा है। फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग आपको ढूंढेंगे इसके बाद, खासतौर से इमरान खान तो जरूर ढूंढेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो जरूर ढूंढेंगे कि इन्होंने ही बताया था। वैसे भी मैंने आपकी पीछे पिछली बहुत सारी प्रेडिक्शंस देखी, क्योंकि मैं ही होस्ट था तो मैंने सारी प्रेडिक्शंस बहुत ध्यान से सुनी, ममता बनर्जी पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, योगी आदित्यनाथ पे, इन तीन पे तो प्रेडिक्शंस और भी मैंने ढूंढी थी, और भी प्रेडिक्शंस, इन तीन की तो क्लियरली मुझे याद है, आपने बोला था रिटर्न करेंगे और ये तीन रिटर्न किए। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग उनसा जी, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।